नमस्कार दोस्तों, प्रोफेशन आजीविका निर्णय की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको आजीविका से रिलेटेड प्रेडिक्शन देनी है तो आप मेरे सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देखते जाएं, ऐसा मेरा विश्वास है और फर्म बिलीव है कि आप लोग जरूर प्रोफेशन से रिलेटेड प्रेडिक्शन दे पाएंगे। एक सूत्र दूंगा मैं सबसे शुरू में, जिन भी नेटिव्स की लग्न कैंसर या कर्क लग्न है और उन नेटिव्स की लाइफ में कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं, यदि उन्हें कुछ परेशानियां हो रही हैं, बिजनेस में सक्सेस नहीं है, घर में परेशानी है, तो ऐसे नेटिव्स को मेरी एडवाइस होगी कि वो अपने मदर की सेवा करें और जानकर सेवा करें। दिन में कम से कम एक बार उनके चेहरे पर खुशी लाएं, किसी भी बात से जरूर उनकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आप ये चेक कर सकते हैं, आपकी जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो ओवरकम होंगी सर्टेनली। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी नेटिव आएगा या हम किसी का भी चार्ट देखेंगे तो चार्ट देखने में उसके एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग चीजें वो पूछेगा आपसे, कहेगा मेरा जॉब कब लगेगा, मुझे कितनी इनकम होने वाली है, मेरा जो वर्क होगा उस पर किन लोगों का इन्फ्लुएंस होगा, मुझे वहां पर कोई डिफिकल्टीज आएंगी काम में, आसानी से कर पाऊंगा, कितने दिन तक मेरा काम चलेगा, मुझे काम में सेटिस्फेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं आज इसी बारे में क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं। आप एंड तक वीडियो देखिएगा और मेरे इस चैनल का ऑब्जेक्टिव केवल नॉलेज देना है, इसके अलावा इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप लोगों को यदि जो भी मैं चीज बता रहा हूं वो यदि पसंद आती है थोड़ी बहुत भी, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और वो मुझे एक एनर्जी देगा जिससे कि मैं और वीडियोस अपलोड कर सकूं। तो अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आजीविका या प्रोफेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, आप सबको मालूम है कि 10th हाउस होता है। अब हमें इन सभी प्रश्नों का, जिनके बारे में मैंने ऊपर बात की थी, आंसर देना है, तो हमें क्या करना है? तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे कि आपका जो 10th हाउस है उसको लग्न बना लेंगे। मैं एक कुंडली ले लेता हूं हाइपोथेटिकली, 1 2 3 4 5 6, ये कालचक्र की आपकी कुंडली ले लिया मैंने, 9 10 11 12 काल पुरुष कुंडली है। तो हम देखते हैं इस काल पुरुष कुंडली की तरह ही आप किसी भी कुंडली को देखेंगे, इसके 10th हाउस में 10 साइन है। तो मैं 10 साइन को लग्न बनाकर एक कुंडली बनाऊंगा। तो आप उस नेटिव की कुंडली को बदल दीजिए और उसकी जो 10th हाउस में जो भी साइन है उसको लग्न बनाकर आप एक कुंडली बनाएंगे। यदि मैं इसको इस तरीके से लग्न बनाकर कुंडली बनाता हूं तो यहां पर देखिए अब 10 साइन लग्न में चला जाएगा, उसी तरीके से आपके सारे प्लैनेट्स भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने प्लैनेट्स नहीं प्लेस किए हैं, अब मेरी कुंडली ये बन गई आपकी 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मकर लग्न की कुंडली बन गई है जो कि एरीज लग्न की थी, क्योंकि मुझे इसे कर्म से रिलेटेड देखना है और आजीविका से रिलेटेड देखना है। तो आपके 10th हाउस में जो भी राशि है उसको लग्न बनाकर आप एक कुंडली बना लीजिए। अब लग्न बनाकर कुंडली बना ली, अब मैं प्रश्नों के या जो नेटिव के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर क्या देख कर दूंगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका क्वेश्चन कि वो आप जब प्रोफेशन में आ रहे हैं तो आपको प्रोफेशन मिल गया, उसके बाद के प्रश्नों के जवाब हैं। प्रोफेशन कब मिलेगा वो आपका दशा अंतर दशा में मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा आपको। प्रोफेशन मिल गया तो आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि मेरी इनकम क्या होगी, मुझे कितना धन मिलने वाला है उस प्रोफेशन में। तो इसके लिए अब आपने जब 10th हाउस की राशि से जो कुंडली बनाई है उससे अब नेक्स्ट 2nd हाउस को अब इसको हम देखेंगे। अब डायरेक्ट भी देख सकते हो 10th हाउस को लग्न मानकर उससे नेक्स्ट हाउस को देखेंगे और इसमें इस हाउस की स्थिति देखेंगे। स्थिति में आपको उसका भाव देखना है, वो उसका
भावेश देखना है और कारक देखना है, वो कैसी स्थिति में है, उसके बेस पर हम प्रेडिक्शन देंगे कि वो आपका धनी होगा या नहीं होगा, आपको जॉब में कितना पैसा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके काम पर किन लोगों का इन्फ्लुएंस होगा, तो आपके काम पर किन लोगों का इन्फ्लुएंस होगा वो हम देखेंगे अब इससे, नेक्स्ट थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस से हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किन किन लोगों का इन्फ्लुएंस है, आपको काम करने में कौन लोग एडवाइस दे रहे हैं और काम करने में कौन लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, दोनों चीजें इसी से आपको पता चलने वाली है। अब आपको देखना है कि आपका जॉब, आप जो कर रहे हो या आप जो भी काम कर रहे हो उसमें क्या परेशानियां आने वाली हैं या नहीं आने वाली हैं। तो आपने जो कुंडली प्रिपेयर की है 10th की साइन को लग्न बनाकर, उसके आप 6th हाउस को देख लीजिए। किसी भी हाउस को देखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, उस हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को देखना है, मतलब भाव को देखना है, उस पर किस किसका एस्पेक्ट है, उसके लॉर्ड को देखना है कहाँ पर है, वो कैसी स्थिति में है, और उसके कारक को देखना है। तो यहाँ पर हम 6th हाउस को देखेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि हमें जॉब में परेशानी आएंगी या नहीं आएंगी। यदि इसकी स्थिति अच्छी है तो हमारा जॉब आराम से चलता रहेगा, बिजनेस इजीली चलता रहेगा। मगर यदि पोजीशन सही नहीं है इसके लॉर्ड की, यहाँ पे कोई आपका मैलिफिक बैठा हुआ है, तो आपको डिफिकल्टीज कंटिन्यू आती रहेंगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, आपको ये देखना है कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं, आप जॉब में एंजॉयमेंट करेंगे या नहीं, आपको डिफिकल्टीज आएंगी या आप वहां पे आपका मन लगेगा कि नहीं काम करने में, उसके लिए आपको अब देखना है 7th हाउस। 7th हाउस हमें जॉब सेटिस्फेक्शन देता है, सुख देगा आपको जॉब से रिलेटेड, आपको सेटिस वहां पे एंजॉयमेंट मिलेगा यदि आपको आपके मन पसंद का जॉब मिल जाएगा। मन पसंद का जॉब होता है कि जैसे एक आपका कोई आपको एयर ट्रेवल एडवेंचर जिसको पसंद है उसको आप एयर पायलट बना देते हो या टूरिस्ट गाइड बन जाता है वो, तो उसका मन पसंद जॉब हो गया। एक स्विमर है उसको स्विमिंग कोच बना दीजिए, मन पसंद जॉब हो गया। किसी को घूमने फिरने का शौक है और उसको उसी तरीके का कोई भी जॉब मिल जाता है जिसमें उसको नए नए प्लेसेस देखने हैं, तो वो एंजॉय भी करेगा और अपना एम्प्लॉयमेंट भी उसका चालू रहेगा। अब आपको देखना है कि आपका ये बिजनेस कितने दिन तक चलेगा, या आपने कोई भी जॉब पकड़ा, लाइक सरकारी नौकरियों में तो ये एप्लीकेबल ज्यादा होता नहीं है क्योंकि वहां तो इन जनरल आप एक बार लग गए तो इन जनरल आप 60 ईयर तक वहां पे रहेंगे। मगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो बार बार हम जॉब चेंज करते हैं, तो किसी भी जॉब में आप कितने दिन तक रहोगे जिसको हम लॉन्जेविटी ऑफ जॉब कहेंगे, वो हम आपको इस नई कुंडली का 8th हाउस बताएगा। आपको देखना है कि कितने दिन तक जॉब रहेगा तो आप 8th हाउस को देखेंगे। तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि प्रोफेशन से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट को हम किस तरीके से देखेंगे। अब आपको नेक्स्ट ये भी देखना हो सकता है कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट होगा यदि मैं कोई भी काम कर रहा हूं, बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा। तो अब इसी चार्ट के आप 11th हाउस को देख लीजिए, वो आपको बता देगा कि आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है या प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अब आपको देखना है कि कहीं आपको लॉस तो नहीं हो जाएगा, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने बहुत सारा काम किया, कहीं बिजनेस में लॉस तो नहीं होगा, आपको कब परेशानी आएंगी, तो अब आप क्या करेंगे इसी चार्ट के 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस के लॉर्ड की जब भी दशा और अंतर दशा आएगी जो मैंने नया चार्ट बनाया उसके हिसाब से, तो आप देखेंगे कि आपको जॉब या प्रोफेशन में परेशानियां आ सकती हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। जवाब देने में फिर वही आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि हम भाव देखेंगे, भावेश देखेंगे, कारक देखेंगे, उनकी स्थिति यदि अच्छी है तो हम कहेंगे कि अच्छा रहेगा, और उनकी स्थिति में प्रॉब्लम है तो आपको बताना है कि भाई आपके इन भाव से रिलेटेड जो भी कारक है उनमें परेशानियां आने वाली हैं। आई होप आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए, छोटे छोटे 8 to 10 मिनट्स के वीडियोस होंगे और आपकी 10 या 15 वीडियोस में मैं इस टॉपिक को काफी हद तक कवर कर दूंगा। धन्यवाद आपका।